अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपने अपना जो है ड्राइविंग लाइसेंस को कैसे डाउनलोड करना है। तमाम तरीकाकार आज की इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर वॉच कीजिएगा। सबसे पहले आपने ये क्या करना है जी, गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है। जब आपका गूगल क्रोम ओपन हो जाएगा तो आपने यहाँ पर सर्चिंग बार में आना है, यहाँ पर लिखना है DLMS, ठीक है जी। ये आपने इसको सर्चिंग में लेके आना है। जब सर्च हो जाएगा तो सबसे ऊपर वाली जो वेबसाइट आपको नजर आ रही है, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक होने के बाद ये यहाँ पर कुछ इस तरह का आपको डिस्प्ले नजर आएगा। तो आपने अगर अपने ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई किया हुआ है, आपका पहले से बना हुआ है, जो अप्लाई किया हुआ वो आपने सारा कुछ पास कर लिया है, ड्राइविंग टेस्ट और दूसरे टेस्ट आपने पास कर लिए हैं, तो ओके है। अगर आपका पुराना लाइसेंस है और आप अपने मोबाइल में इसको डाउनलोड करके रखना चाहते हैं, तो आपने यहाँ पर अपना CNIC नंबर, जो आपका शनाख्ती कार्ड नंबर होगा, वो वाला नंबर आपने यहाँ पर एंटर करना है। मैं यहाँ पर अपना शनाख्त कार्ड का नंबर जो है वो इंटर कर लेता हूँ, और उसके बाद यहाँ पर आप अपने डेट ऑफ बर्थ इंटर करनी है। डेट ऑफ बर्थ इंटर कैसे करेंगे, ये आप अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 2005 से पीछे की है तो आप ये यहाँ से आप पीछे आएंगे इस तरह से, ठीक है जी। दोस्तों, आप पीछे आएंगे, मेरी जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 1991, अगर इससे पीछे भी है तो आप इस तरह से पीछे आ जाएंगे। और फिर मंथ सेलेक्ट करेंगे मई, और फिर आप डेट सेलेक्ट कर लेंगे 30, जिनके 30/5/1991 जो है मेरी डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद आपने यहाँ पर आई एम नॉट रोबोट को क्लिक करना है। जब ये क्लिक कर लेंगे तो आपने यहाँ पर वेरीफाई कर लेना है। जब वेरीफाई हो जाएगा तो नीचे की तरफ आपको यहाँ पर लिखा हुआ जाएगा डाउनलोड। तो जब आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो आपका जो है लाइसेंस जो है वो डाउनलोड हो जाएगा। अगर आप कुछ इस तरह नीचे की तरफ आए तो ये आपको ये देखें ड्राइविंग लाइसेंस नजर आ रहा है। ड्यू टू प्राइवेसी मैं इसको ज्यादा ओपन नहीं कर रहा, तो इस तरह से आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस को डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर हम डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद ये देखें सामने ये लाइसेंस आ गया है। तो इस तरह से आप अपना जो है लाइसेंस कर सकते हैं सेव। अगर आपके मोबाइल में ऑप्शन नहीं है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी अपने मोबाइल के अंदर सेव कर सकते हैं जी। दोस्तों, ये था तरीकाकार इसको डाउनलोड करने का। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो की मुकम्मल तौर पर समझ आ गई होगी। अगर आपको इसकी मुकम्मल तौर पर समझ आ गई है तो इसको दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।